नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉल इंडिया। मैं हूं आपके साथ जूहे सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बुलेटिन की खबरों के साथ। श्रावस्ती से आजादी के 75वें वर्षगांठ पर तिरंगा न फहराकर स्वतंत्रता दिवस का अपमान करने का मामला सामने आया है। क्षय रोग नियंत्रण अस्पताल में आजादी के अवसर पर कोई तिरंगा नहीं फहराया गया। दिन भर विभाग के कार्यालय में ताला लटकता रहा। इस बार जहां हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, बावजूद इसके नियंत्रण केंद्र के आसपास कोई कर्मी तक नजर नहीं आया। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां बड़े ही धूमधाम से कल स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जहां कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम ने तिरंगा झंडा फहराया, तो वहीं एसपी ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया। इस दौरान यूपी के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने राइफल क्लब में तिरंगा फहराया। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा था। देखिए, अपने उन शहीदों को याद करने के लिए, अपने उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने के लिए शायद इससे अच्छा अवसर इस देश में नहीं हो सकता। आज 15 अगस्त है, आजादी के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। हम सब भारतवासी कहीं न कहीं से पहली बार जिस तरीके से तिरंगे को हर घर पे फहराने का सौभाग्य मिला है, हर भारतवासी आज अपने घर पे तिरंगा झंडा फहरा रहा है। और सड़कों पर एक जनसैलाब उमड़ा है, हुजूम उमड़ा है। स्कूल कॉलेज और बच्चों तक सीमित रहने वाला यह पर्व आज हर घर तक पहुंचा है, जन जन तक पहुंचा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर NH-28C पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। टोल प्लाजा के प्रबंधक सैयद एहतेशाम आलम के साथ इस मौके पर कई पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने राह चलते राहगीरों को मिठाई भी बांटी। सरोवर नगरी नैनीताल से झमाझम हो रही बारिश के बावजूद बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री और जिले की प्रभारी रेखा आर्या ने कलेक्ट्रेट सभागार में झंडा फहराया। उन्होंने कहा कि यह दिन विशेष है, क्योंकि इसी दिन हमारा देश आजाद हुआ था। इसके अलावा हाईकोर्ट में न्यायाधीश विपिन सांघी ने कमिश्नरी में झंडा फहराया, तो वहीं कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने भी तिरंगा लहराया। वहीं छोटे बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। के दिशा में है और आज वह पूर्ण होने जा रहा है। और आज़ादी के इस 75वें वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका आह्वान किया है, और साथ साथ में हर घर तिरंगा का भी आह्वान किया है। तो मैं मानती हूँ कि इस वर्षगांठ को मनाते हुए, निश्चित रूप से अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए, इस आज़ादी के महत्व को समझते हुए कि आज यदि वो लोग नहीं होते तो आज हम। खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी झील में नौका विहार का लोग लुफ्त उठाते नजर आए। कुछ दिनों की छुट्टी पड़ने के कारण सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास के सारे होटल पार्किंग जो है फुल हो गए। भीड़ के चलते यहां पैदल चलने वालों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद भी लोग बिना मास्क के घूमते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया के साथ।